नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्सव क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, कल जो एक दिवसीय प्रशिक्षण नवनियुक्त शिक्षकों के लिए हुआ है वर्ग 1, 2, 3 के लिए, उसमें एक बड़ी घोषणाएं भी हुई जो कि आपको पता है। जैसा कि सबसे बड़ी घोषणा तो ये है कि जो आपका समय था, टाइम पीरियड था, 70%, 80%, 90% और 100% वाला, उसे ख़त्म कर दिया गया। पहले वर्ष आपको 70% सैलरी मिल रही है, दूसरे वर्ष से आपको 100% मिलेगी। ये फ़ायदा आपको आगे होने वाला है, इससे आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो ये जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो इस न्यूज़ में एक और खबर है, और वो ये है कि इस साल के अंत तक बिना शोर के मध्य प्रदेश में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, इस साल मतलब इस साल के शुरुआत जनवरी से दिसंबर, इसके बीच जितने पदों की भर्ती हो चुकी है वर्ग 1, 2, 3 तीनों को जोड़ लेना, उसके बाद देखना कितने पद और बच रहे हैं, उसी पर होगी फिर सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, ये कंडीशन है, ऐसा नहीं होने वाला। ये ऐसा मत समझ लेना कि ये नई भर्ती ही कर रहे हैं 60,000 की, ऐसा नहीं है। जो हो चुकी है प्लस जो सेकंड काउंसलिंग में होने वाली है वो जोड़ के ये बात कही जा रही है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से कल मीटिंग में सहभागिता उन्होंने निभाई थी, तो वो आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या है न्यूज़ में, यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी है। पहले 17वें नंबर पे था, अब 5वें नंबर पे मध्य प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी है, और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश शिक्षा सर्वे में देश में 17वें से अब 5वें नंबर पे है। और प्रदेश में इस साल अंत तक 60,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। 22,000 नियुक्ति इस साल कर ली गई है। चयनित शिक्षकों को महत्वपूर्ण बात ये है, यानी कि इन्होंने कहा, फिर ये भी कहा है कि भाई मतलब सबके आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं, बयान अलग अलग ही आते हैं, ठीक है, कभी भी एक्यूरेट नहीं आ रहा है, सब ऐसे ही आ रहा है। जिसमें 22,000 हो चुकी, अगर देखिए अब ये बोल रहे हैं कि इस साल में 22,000 हो गए, 22,000 हो गए, 60,000 होना है, तो 40,000 से ऊपर भर्ती और, अगर ऐसा अर्थ निकाले तो, ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बात को घुमाया गया है तो वो पता चली जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। और इसमें और महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें दिया है, गौरतलब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 12 दिसंबर 2019 में तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियमों को संशोधन किया था। इसके मुताबिक नए कर्मचारी को 3 साल का प्रोविशन पीरियड दिए गए थे। इनका कहना है कि ये कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था, इसे हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर शिवराज सिंह जी ने कहा कि मैं खुद शिक्षक था, है ना, और लाडली बहना योजना का भी जिक्र यहाँ पे शिवराज सिंह जी ने किया है, करीब 2 से 3 बार इन्होंने अपने बात में कहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, आपको जानकारी सेकंड काउंसलिंग की मिल जाएगी। अब प्रश्न यही है, सेकंड काउंसलिंग कब होगी, कितने पदों पर होगी। अब 20,000 इंदर सिंह जी ने तो बोला 20,000 पदों पर और भर्ती करेंगे, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग बच रही है वर्ग 3 की, जिसके संबंध में कहा गया था फरवरी में होना था, नहीं हुई। अब ये प्रक्रिया अपनी हो चुकी कंप्लीट, 17 तारीख कर दी इसकी बढ़ा के, ठीक है। अभी जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली उनकी 17 तारीख हो गई बढ़ के, तो अब ये 17 तारीख के आसपास या इसके बाद ही कोई जानकारी या इससे पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, उसके लिए अलग से रूल जारी होगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस रूल के मुताबिक ही फिर भर्ती होगी, कब कौन सी भर्तियाँ डिग्रियाँ कंप्लीट होनी चाहिए, कब उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसी आधार पर फिर सेकंड काउंसलिंग करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में ये इतनी बात करते हैं, सेकंड काउंसलिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं आपके दिमाग में। तो 20,000 इंदर सिंह जी ने बोला है, और यहाँ पे बोला जा रहा है 60,000 भर्ती करेंगे और 22,000 कर चुके हैं, मतलब बात एक जैसी सबकी नहीं आ रही है ना। अब तो ये तो नोटिफिकेशन या रोस्टर जारी होने की स्थिति में ही पता चलेगा, रोस्टर की स्थिति में ही कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली, कोई जानकारी जब ऑफिशियल प्राप्त हमको होगी तभी इसमें हम पक्के रूप से बिलीव कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं जल्द ही थोड़े कुछ ही समय में स्टूडियो